क्या वेस्ट इंडीज दौरे पर जाएंगे धोनी, देश लौटते ही बोर्ड को सुनाएंगे अपना फैसला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि अभी वर्ल्ड कप के बाद भारत और वेस्ट इंडीज के बीच एक दौरा होने वाला है, क्या इस दौरे पर महेंद्र सिंह जाएंगे या नहीं। तो इस खबर को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के एक बेहतरीन फ़ैन हो, महेंद्र सिंह धोनी को महान खिलाड़ी मानते हो, तो इस वीडियो को दिल से लाइक ज़रूर करें। दोस्तों सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड से हार कर टीम इंडिया का विश्व कप का सफ़र ख़त्म हो गया है। खिलाड़ी जल्द ही देश लौटेंगे, लेकिन सबकी निगाहें महेंद्र सिंह धोनी पर टिकी हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि वह अपने संन्यास की घोषणा कर सकते हैं। विश्व कप से लौटकर टीम इंडिया को वेस्ट इंडीज़ के दौरे पर जाना है, जहां वह विंडीज़ के खिलाफ 3 T20 मुकाबले, 3 वनडे मुकाबले और 2 टेस्ट मुकाबले खेलेगी, जिसके लिए टीम का चयन होना अभी भी बाकी है। राष्ट्रीय चयन समिति इस दौरे के लिए टीम का चयन करने के लिए 17 या 18 जुलाई को मुंबई में बैठक करेगी। माना जा रहा है कि इस कई बड़े चेहरे इस दौरे पर नहीं जाएंगे। सभी का अनुमान है कि वेस्ट इंडीज़ नहीं जाने वाले इन बड़े खिलाड़ियों में धोनी भी शामिल हो सकते हैं। भारत का यह दौरा आप सभी को बता दी कि 3 अगस्त से शुरू होगा। धोनी के लिए वेस्ट इंडीज़ दौरे पर नहीं जाने की खबरें, उनके बीच संन्यास की अटकलें तेज हो गई हैं। दोस्तों टाइम्स ऑफ इंडिया के माने तो लंबे समय से क्रिकेट खेल रहे विराट कोहली सहित कई खिलाड़ियों को आराम दिया जा सकता है, इसकी वजह से वह टेस्ट वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं जाएंगे। कोहली वनडे और T20 से कुछ समय के लिए ब्रेक लेंगे। वह 2 टेस्ट मैचों में पहले ही टीम इंडिया से जुड़ जाएंगे। वहीं वेस्ट इंडीज के दौरे पर वनडे और T20 में रोहित शर्मा टीम की कमान संभालते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी भी लगातार क्रिकेट खेल रहे हैं। चयन समिति इन खिलाड़ियों को आराम दे सकती है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड की अनुमति से आप सभी को बता दी कि धोनी का फैसला सुनने का इंतजार कर रहा है बोर्ड। वहीं पे धोनी घर लौटते ही संन्यास लेंगे या नहीं, या अगले साल ऑस्ट्रेलिया में होने वाले विश्व कप T20 तक खेलेंगे, यह तो सिर्फ धोनी ही बता सकते हैं। लेकिन इस वक्त सबका ध्यान धोनी की तरफ है और ख़ास तौर पर बोर्ड का भी ध्यान धोनी की तरफ है। क्या घर आते ही वह कुछ फैसला सुनाने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होने वाले इस मुकाबलों में, इस सीरीज़ में महेंद्र सिंह धोनी शायद नहीं होंगे, क्योंकि उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा आराम की ज़रूरत है। वहीं पर दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक वीडियो आया है जो आउट होने के बाद फरफरा कर रो रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी। फैंस ने कहा, हार सह लेंगे लेकिन यह बर्दाश्त नहीं होगा। न्यूजीलैंड से हार टीम इंडिया के वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो गई है। वर्षाबाधित इस मैच में न्यूजीलैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत के सामने 240 रनों का लक्ष्य रखा था। जवाब में भारतीय टीम 221 रन पर ऑल आउट हो गई थी। वहीं पर 18 रनों से यह मुकाबला वह मैच गंवा बैठी थी। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा ने 7वें विकेट के लिए 116 रनों की शानदार साझेदारी धरते हुए मैच को काफ़ी अंत तक ले गए थे। दोस्तों रविंद्र जडेजा 77 रन के आउट होने के बाद कुछ मिनटों बाद MS धोनी भी रन आउट होकर पवेलियन लौट गए। अंपायर की इस गलती की वजह से धोनी का रन आउट होना सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन इसके अलावा सोशल मीडिया पर एक और तस्वीर वायरल हो रही है जो वाकई में कई भावुक कर देने वाली है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि जी हां, वह तस्वीर धोनी के रोने की है। न्यूजीलैंड के खिलाफ अर्धशतकीय पारी खेलने वाले महेंद्र सिंह धोनी रनआउट होकर पवेलियन लौटने के बाद रो रहे थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में धोनी रोते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि रनआउट होने के बाद धोनी पवेलियन की ओर लौट रहे हैं। तब उनके सिर पर हेलमेट था, लेकिन वह सर नीचे लगाकर रो रहे थे। दोस्तों धोनी को ऐसे रोते देख उनके फैंस भी काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए थे। धोनी के एक और फैंस ने कहा है कि धोनी के बारे में खास बात कही है कि जब भारत का स्कोर 5-3 था, तब लोगों को भरोसा नहीं था कि हम मैच जीत सकते हैं।
इसके अलावा धोनी के एक और फैंस ने लिखा है कि हम हार सह लेंगे लेकिन आपको रोते हुए नहीं देख सकते और हम यह बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि जीत के साथ ही न्यूजीलैंड विश्व कप 2019 के फाइनल में पहुंचने वाली पहली टीम बन गई है। यह कीवी टीम का लगातार दूसरा फाइनल मुकाबला है। इससे पहले 2015 में न्यूजीलैंड खिताबी मुकाबले में पहुंचा था। दोस्तों आप सभी को बता दी कि क्या महेंद्र सिंह धोनी के लिए आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।